अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं फोर ईयर सीरीज। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोर ईयर सीरीज। इसमें तीन थ्री टाइप्स है, हम लोग बोल सकते हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो शॉर्ट शॉर्ट आएगा। हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोर ईयर सीरीज, उसके पहले कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेसिक्स देख लेते ना, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तभी जाके हम लोग को कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोर ईयर सीरीज आने वाला है। तो फिर हम लोग बेसिक्स पढ़ लेते हैं फटाक से। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंडिकेटेड बाय जेड which is equal to x plus r by na. This r stands for imaginary number na. We know that root of minus 1 is represented by r na. तो फिर कोई भी numbers minus root 2, root of minus 2, इसका directly root possible नहीं है ना, तो फिर हम लोग उसको ऐसे लिखते थे minus root 1 into 2 ना, तो इसका this is nothing but r और ये root 2 हो गया ना, this is nothing but root 2 i ना. This I represent imaginary number means complex number. तो फिर अगर z is equal to I plus IY, तो फिर this form is called as Cartesian form of complex number. इसके अंदर तीन form आते हैं, ये तो हो गया Cartesian form. Next हम लोगों ने पढ़ा था polar form. Polar form is nothing but R into cos theta plus I sin theta ना, where R is nothing but होता है square root of x square plus y square ना, और theta is nothing but होता है tan inverse of y by x ना. This theta is also called as argument, correct? Then next हम लोगों ने पढ़ा था form, कौन सा form पढ़ा था हम लोगों ने, इसके बाद पढ़ा था r into e raised to i theta ना, correct? This form is called as exponential form. Let's level. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको equation one दिया, इसको equation two है. This is nothing but z, this is also nothing but z. अब भी देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो यहां से मुझे e raise to theta का वैल्यू मिल जाएगा ना. दिस e raise to theta is nothing but cos theta plus I sin theta, तो फिर यहां से मिल गया फ्रॉम वन एंड टू e raise to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta ना, करेक्ट? तो e raise to minus I theta क्या हो जाएगा, cos theta minus I sin theta. इसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था डी मोरियस थ्योरम करके. दिस थ्योरम स्टेट दैट ई रेस टू आई एन थीटा इज नथिंग बट होता है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल ले देता हूं मैं, ई रेस टू आई थ्री थीटा, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस आई साइन थ्री थीटा, करेक्ट? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो अभी देखो यहां पे ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है. वी नो दैट साइन एक्स इज नथिंग बट क्या होता है, ई रेस टू आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई एक्स अपॉन टू है. कॉस ऑफ एक्स क्या होगा, ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स अपॉन टू ना. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स. साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू. कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू ना. ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हम लोग को लगने वाले हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज करने के लिए.